सध्या भारत आणि चीनमध्ये युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तसेच कोरोनाचा विषाणू यामुळे सर्वसामान्यांचं जीवन हे अतिशय ठप्प झालेलं आहे. अशा परिस्थितीत डिझेलचे आणि पेट्रोलचे भाव जे वाढलेले आहेत तर सरकारच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय ताण आलेला आहे हे आपण समजू शकतो. परंतु सर्वसामान्य नागरिकाला घरातून बाहेर पडताना आता पूर्वीच्या ज्या एस टी बसेस सेवा होत्या त्या ठप्प झाल्यामुळे प्रत्येकाकडे खाजगी वाहन जर असेल असे नाही, ज्यांच्याकडे वाहने आहेत त्यांना वाहन काढून पेट्रोल टाकून डिझेल भरून जाणे, त्या अशा अवस्थेत सर्व व्यापार व्यवसाय हे ठप्प झाल्यामुळे कोणाकडे आता पैशाची देखील तणतण प्रत्येकाकडे भासत आहे. अशा परिस्थितीत ही भाववाढ झालेली आहे. निश्चितच डिझेलची आणि पेट्रोलची भाव सर्वसामान्य माणसाच्या जीवाला सुरक्षितेला परवडणार नाही, म्हणून सरकारने यात विशेष लक्ष घालून ही दरवाढ भाववाढ तात्काळ रद्द करावी अशी माझी मागणी जो है. तो हम यहाँ पेट्रोल भरने आए हुए हैं और पेट्रोल के भाव देखते हुए हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वापस बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जो केंद्र सरकार है ये गरीबों पे अत्याचार करते हुए इन पे बोझ डालना चाहती है और इस बोझ की वजह से आम जनता बहुत परेशान है, क्योंकि एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना 19 की वजह से, जो एक वायरस फैला हुआ है इससे पहले ही जनता परेशान है. और ये और एक बोझ जो है तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने डाला हुआ है, इससे और ज़्यादा जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि एक महीने में इन्होंने जो है तो पेट्रोल के दाम कम से कम 20 से 25 रुपए बढ़ा दिए हैं. केंद्र सरकार कहती है कि ये जो है तो एक आगे के लिए प्लानिंग है और राज्य सरकार इसका विरोध करती है. मैं राज्य सरकार से भी कहूँगा कि उन्होंने भी पहले पेट्रोल के दाम कम करना चाहिए और फिर केंद्र सरकार पर भी दबाव डालना चाहिए कि भाई आम जनता के लिए पेट्रोल के भाव कम किए जाए, क्योंकि इसमें जनता बहुत परेशान है और इसी वजह से जो है तो बहुत सारे लोग भी हताश हुए हैं.